पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आए हैं। इन्होंने IQ मार्केटिंग के हवाले से ARY रेजिडेंसी के नाम से बनने वाले विलाज में एक विला बुक करवाया था जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर थी और 30 लाख रुपए इनसे एडवांस ले लिए गए थे। January 4 तारीख को इनके मुताबिक इन्होंने पैसे पेमेंट की थी पार्टी को, जिसके बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इन्हें जब पता चला कि बहुत टाइम लगेगा तो इन्होंने इंस्टॉलमेंट देना बंद किया और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए जाएं ताकि मैं उन्हें काम में ला सकूं। इनका लीवर भी चेंज होना है, उसके अलावा उस्मान साहब को छोटा सा कैंसर भी है। लीवर चेंज करने के पाकिस्तान में 85 लाख का खर्चा आता है जो अलशिफा वाले इस्लामाबाद में करते हैं, उनके अलावा पाकिस्तान में कोई और नहीं है। फिर उसके लिए नोटा से परमिशन ली जाती है। इन्होंने ये कहा कि मेरे करोड़ से 1.25 करोड़ खर्च होने जो मेरे पास नहीं, मैं 42 साल से परदेश में नौकरी करके मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ, अगर मेरे ये पैसे वापस दे दिए जाएं तो मैं कुछ और पैसे करके कुछ लोगों से कर्ज लेके अपना इलाज करवा लूँ। लेकिन IQ मार्केटिंग वालों ने बुलाते रहे, ये सऊदीया से भी कांटेक्ट में रहे, रबते करते रहे। अब जब उन्होंने कहा कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो एप्लीकेशन थी वो आगे फॉरवर्ड कर दी है, उसके बाद उन्होंने इन्हें बुला के और मना कर दिया वाजी अल्फाज में कि हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। कानूनन बिल्डर्स के आना के यहाँ जो है वो 2 to 10% अगर पार्टी का कैंसिल करे तो काटे जाते हैं, लेकिन वो लोग पूरी रकम खाने के चक्कर में हैं। इनका कहना ये है कि अगर अरबाब आला मेरी मदद करें, आला हुक्काम मेरी मदद करें, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, वज़ीर दाखला सिंध और नैब और एंटी करप्शन वाले तहकीकात करके अगर मैं जायज़ हूँ और मेरी रकम मुझे दिलवा दें तो उनकी मेहरबानी होगी और मेरी तरफ से दुआएं होंगी और मैं अपने बच्चों के सर पे कायम दायम रहूँगा, वरना मेरे साथ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैं 4 जनवरी को आया था, मैंने 2 विले बुक कराए थे 15-15 लाख के, जिसके अंदर इन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई आप जो है 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट देंगे, 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट देंगे। मैं बुक करा के चला गया था, उसके बाद में मेरे को यहाँ से पता चला कि इन्होंने कोई काम वगैरह शुरू नहीं किया है और बाकी 300 विले थे, 300 लोगों के साथ ये इस तरीके से कर रहे हैं। मैं अवशेष पाकिस्तानी हूँ, 42 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ, सारा पैसा जितना भी है मैं पाकिस्तानी बैंकों के थ्रू वहाँ से बैंक के थ्रू लाया हूँ। कोई इसके अंदर उल्टी या कोई परेशानी वाली बात नहीं, मेरी तहकीकात की जाए, अगर ये बात गलत साबित हो तो मैं जो कानून मुझे सजा देना चाहता है सजा दें। दूसरी एक बात यह है कि मैं वज़ीर आला सदर पाकिस्तान और अपने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस साहब से और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करता हूँ कि उनके मैंने देखा था कि 1-1.5 हफ्ते पहले एक ऐड चला था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितना भी बाहर रहते हैं वो बैंकों के थ्रू पैसा लेके आए तो हम उन पैसों की आपकी हिफाजत करेंगे। तो मैं जब आया हूँ तो मैंने इनसे जाके जब रब्ता किया है तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ और दुख हुआ है कि मैं बीमार हूँ, हेपेटाइटिस सी भी है, लीवर डैमेज हो चुका है, शुगर भी है मेरे को और मेरी सेहत रोज़ कम हो रही है। इनके साथ मैंने फरियाद की कि भाई मुझे मेरा पैसा दे दिया जाए ताकि मेरे काम आ जाएगा। बाकी इन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दी कोई भी चीज़ और इन्होंने बोला कि आप चले जाएँ। तो उसके बाद में अब मैं इधर आ गया हूँ तो अब मैं इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मैं अपना बाकी जो पैसा मेरे बाहर है मैं 42 साल से आया लेके आऊँ या ना लाऊँ, ये मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के खातिर बाहर मुल्क गया था जिसमें मुल्क को भी मेरे से फ़ायदा हुआ है और मुझे भी उससे फ़ायदा हुआ है, दोनों को हुआ है। मगर हम इधर आते हैं तो हमें तरह तरह के ख्वाब लोग दिखा के हमें इस तरीके से लूट लिया जाता है और हम तो 2-3 महीने के लिए आते हैं या रुक के तो घर तो बनवा नहीं सकते। मैंने इनको पैसा दिया कि मुझे घर बना दें मगर इन्होंने इस तरीके से जनवरी से लेकर आज अगस्त दिसंबर होने वाला है इन्होंने कोई चीज़ इसके बारे में नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ में मेरी हेल्प की जाए और अल्लाह ताला इसका जो भी मेरे साथ हेल्प करेगा अल्लाह ताला उसका उसको अजर देगा। मैं मदीना मुनव्वरा में भी जाता हूँ, खाना काबा में भी जाता हूँ। उस्मान साहब आप पाकिस्तान में कितना अर्सा हैं और कितने दिन यहाँ पर रहकर अपना काम करवा सकते हैं?
मैं पाकिस्तान तकरीबन आए हुए आज जो है एक महीना कुछ दिन हुए हैं, मैं 3 महीने के लिए आया था यहाँ, तो मेरे पास ढाई महीने बाकी हैं, फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो मेरे बच्चे वगैरह सब मेरे साथ होते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर बिल्डर माफिया जो है वो किस तरह से लोगों को लूटती है, इनकी कमाइयाँ ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं ये सालों मुल्क से बाहर रहते हैं, ये समझते हैं कि जैसे वहाँ पर कानून है, जैसे वहाँ पर लोग सच्चा काम कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी हो रहा होगा। बकौल इनके के एक साल के करीब हो गया और एक साल में किसी किस्म की हिलजुल वहाँ पर नहीं हुई, जिस ज़मीन के लिए कहा गया था कि यहाँ वेला बनेगा, अब ये परेशान है कि मेरे पैसे कैसे मिलेंगे, चूँकि मैंने वहाँ पर कमाया। इनका कहना ये है कि जो पैसे मैंने जमा करवाए हैं वो पैसे तकरीबन 1 से 1.5 साल की मेरी सऊदीया की कमाई है जो तबाह हो गई, लिहाजा इन्होंने अरबाब अख्तियार से रिक्वेस्ट की है, चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे रकम वापस दिलवाई जाए। कैमरामैन नौफल और नोने के साथ सलीम देलवी, SN News चैनल कराची।